नमस्कार दोस्तों, श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक वक्त में कहा था, मेरे खून का एक एक कतरा देश को मजबूत करेगा। निश्चित रूप से वह चीज आज हम देखते हैं। जब देश को मजबूत करने की बात होती है, जोड़ने की बात होती है और न्याय देने की बात होती है, तो एक ही नाम हमारे जेहन में आ जाता है, वो नाम है राहुल गांधी का। लेकिन एक दूसरा नाम भी, जब इस देश के टुकड़े टुकड़े करने की बारी आती है, इस देश में नफरत फैलाने की बारी आती है, इस देश से झूठ बोलने की बारी आती है, तो एक ही नाम हमारे जेहन में आता है, वो है नरेंद्र मोदी का नाम। जी हां, झूठ और नफरत का सौदागर नरेंद्र मोदी। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की, उनके चाणक्य अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया, और जो घोषणा पत्र जारी किया उसमें कहा कि हर साल 5 लाख नौकरियां देंगे। कहां? जम्मू कश्मीर में। और वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से वो तमाम तरह के वायदे गिनाते हैं, दावे गिनाते हैं, हमें 2014 याद आ जाता है, जब 2014 में यही नरेंद्र मोदी, यही भारतीय जनता पार्टी, और उसने क्या कहा था? कहा था हर साल 2 करोड़ से अधिक रोजगार देंगे, 2 करोड़ से अधिक, और असलियत में 1 रोजगार देने की स्थिति नहीं है। इस देश को इतना बड़ा बेरोजगार बना दिया कि भारत के इतिहास में सबसे बड़ा बेरोजगार देश आज यह हो गया। उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर में 2014 के बाद में अमन शांति आ गई है, यह स्थिति कर दी। तब सवाल उठता है कि 2014 के बाद में जम्मू कश्मीर में जितनी आतंकी घटनाएं हुई हैं, जितने हमारे सैनिक, अर्धसैनिक बल, पुलिस के लोग और नागरिक मारे गए हैं, उतने तो हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं मारे गए, इतनी घटनाएं हुई हैं। और 10 साल से जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्यक्ष और परोक्ष सत्ता चल रही, 7 साल से सीधे सत्ता नरेंद्र मोदी के हाथ में है, अमित शाह के यहां। बावजूद इसके रोजगार किसी को दिया है क्या? कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ किया है क्या? नहीं किया, न कश्मीरी पंडितों के लिए किया, न रोजगार के लिए किया, सिर्फ धंधे गुजरातियों को दिए, और जिस तरीके से किया है उसके बाद में आज तमाम तरह के, जब वो कहते हैं कि हमने आज जम्मू और को आईटी हब बना दिया है, आज हंसी आती जब वो आईटी हब की बात करते हैं। 422 आईटी कंपनियों ने सिर्फ 1 साल के भीतर 1.5 लाख लोगों को नौकरी से निकाल दिया है, यह भारत का आंकड़ा है। 422 आईटी कंपनियों ने 1.5 लाख लोगों को निकाल दिया। नरेंद्र मोदी की ही कृपा है कि रिलायंस और उसके जैसी 3-4 कंपनियों ने, सिर्फ 3-4 कंपनियों, 52,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया है। 52,000 लोगों, अभी हाल ही चंद महीने में। इसके बाद इसी तरीके से तमाम प्राइवेट सेक्टर में, तमाम सरकारी क्षेत्रों में नौकरियों से निकाला जा रहा है। हरियाणा में एक भर्ती चल रही है सफाई कर्मचारी की, वो भी कॉन्ट्रैक्ट पर, और 15,000 रुपए के कॉन्ट्रैक्ट पर। हालत यह है कि पीएचडी लोग, एमबीए लोग, एमए एलएलबी किए हुए लोग उसमें अप्लाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि रोजगार की वो आस रखे थे, नौकरी, एक अच्छी नौकरी की उम्मीद रखे, नहीं उपलब्ध। इंजीनियरिंग का लड़का 15,000 की सफाई कर्मी की नौकरी ज्वाइन करने को तैयार हो जाता। आईआईटी में, आईआईटी
मुंबई जो 100% प्लेसमेंट देता था वहां की दशा ये हो गई कि अब वहां प्लेसमेंट ही नहीं बचा है। हालत यह हो गई कि आईआईटी में जहां सोचते थे यदि हो गया तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाए, और जिनको मिला है प्लेसमेंट वो भी जितना मिलता था उससे एक चौथाई कीमत पे मिल रहा है। अब आप समझिए यह जब हिंदुस्तान के अंदर स्थिति हो और दावे किए जा रहे हो कि हम ये देंगे वो देंगे तो आप समझ सकते हैं। बहरहाल ये तो एक बात हुई, देश सुरक्षित हाथों में है बार बार चिल्लाते हैं, लेकिन कितना सुरक्षित है इसका उदाहरण मौजूद। कह रहे थे अभी लोकसभा चुनाव के पहले कि हम पाकिस्तान को यह कर लेंगे, और किस तरीके से गिनाया था आदित्यनाथ ने, अजय सिंह बिष्ट उर्फ आदित्यनाथ जो यूपी का सीएम है, और राजनाथ सिंह ने कि हम अखंड भारत बनाने जा रहे हैं, या तो पाकिस्तान हमारे साथ मिल जाएगा नहीं तो हम उसका अस्तित्व खत्म कर देंगे। वही पाकिस्तान अब नक्शा जारी करता है और जूनागढ़ जो गुजरात में है उसे अपने नक्शे में दिखाता है और कहता है ये हमारा हिस्सा। ये पाकिस्तान है जिसकी हिम्मत नहीं पड़ती थी, श्रीमती इंदिरा गांधी ने तो टुकड़े करके फेंक दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, लाल बहादुर शास्त्री हो, इंदिरा गांधी हो, या किसी के भी समय हो, पाकिस्तान को घुटनों पे लाके खड़ा कर दिया, हर बार हराया है, दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य सरेंडर कराया है श्रीमती गांधी। वो पाकिस्तान हमें ये बता रहा है। अब आप सोचिए कि हम किस दशा में, और हमारे प्रधानमंत्री उन्हीं जो इस समय वहां पर शरीफ साहब प्रधानमंत्री हैं, उन्हीं के भाई नवाज शरीफ प्रधानमंत्री थे, बगैर बुलाए चले जाते हैं उनकी अम्मा के लिए साल लेके, पांव छूते हैं और वहां से बिरयानी खा के आते हैं। तो ये नरेंद्र मोदी और देश की दशा ये, जाते हैं सिंगापुर, कहते हैं हम ऐसे कई सिंगापुर भारत में बनाने, और हालत ये है कि 100 स्मार्ट सिटी की बात करी थी 2014, आज जब हम 2024 खत्म होने आ रहा है तब बात कर रहे हैं, तो स्थिति यह है कि एक भी स्मार्ट सिटी आज तक नहीं बना पाए हैं, एक भी स्मार्ट सिटी। उसके नाम पे हजारों हजार करोड़ रुपए की लूट जरूर हुई, और वह लूट कहीं किसी से छिपी नहीं, चाहे जिस स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट को देख लीजिए, यही स्थिति है। उदाहरण दे देता हूं कि चंडीगढ़ जो एक जन्म से स्मार्टेस्ट सिटी था, वो चंडीगढ़ जो सिटी ब्यूटीफुल कहलाता था, उसकी दशा क्या करी। यहां 40 करोड़ का जो बजट है वो कर्मचारियों के साल भर के वेतन का है, और हालत ये कर दी कि ये जो 40 करोड़ का बजट है उस बजट में इन्होंने 37 करोड़ रुपया सिर्फ जो है कॉन्ट्रैक्ट पे रखे कर्मचारियों पर खर्च करना शुरू कर, कॉन्ट्रैक्ट पर इस तरीके से आरएसएस बीजेपी के लोगों को रखा गया 15-15 हजार रुपए की नौकरी, और जो बाकी हैं जो परमानेंट हैं उनका बजट आप कितना है, आप सोच लीजिए कि क्या बनाया। अब जो चाहते हैं वो कराते हैं, मनमानी कराते हैं, इसी का नतीजा है कि हर महीने जो ये पैसा जा रहा है 40 करोड़, ये कितना बड़ा बोझ बन रहा है सोचिए आप। और ये जो 40 करोड़ जा रहा है हर महीने, स्थिति ये है कि इसके बाद में चंडीगढ़ कर्ज पर हो गया है, जिस चंडीगढ़ को जब भाजपा ने टेक ओवर किया था उस समय इस पर जो है 1 रुपए का कर्ज नहीं था, और 550 करोड़ रुपए की इसकी अपनी एफडी थी, और जनता पे भी टैक्स नहीं था, प्रॉपर्टी टैक्स भी नहीं था, और बिजली पानी सब सबसे सस्ता था।
स्कूल भी यह चलाता था और डिस्पेंसरी भी चलाता। आज स्कूल इससे चले गए हैं, डिस्पेंसरीज भी 80% चली गई हैं और उसके बाद ये हाल। समझ लीजिए ये स्मार्ट सिटी बन रहा है। पानी 24 घंटे देने की बात हुई थी, 2 टाइम भी सही से नहीं आता है। तो यह खेल होता है, यह मैं एक वानगी बता रहा हूं जो कि स्मार्टेस्ट सिटी था, जहां 3 टाइम पूरा पानी आता था, तीसरी चौथी मंजिल तक चढ़ जाता था अपने आप बगैर मोटर के, वहां ये हाल है। अब यदि आप बात करिए दूसरी और चीजों तो जूनागढ़ वहां दिखा दिया जाता है, चाइना हमारे तमाम क्षेत्रों को अपने यहां दिखा देता है, हम उसे अपोज भी नहीं कर पाते हैं, लड़ भी नहीं पाते। ऐसे तो कोई भी मनमानी वो करेगा। हमने भी एक नक्शा पंडित नेहरू के समय में बनाया था और हमने उस वक्त चाइना के एक बड़े हिस्से को अपने में दिखाया, हालांकि वो था नहीं। उसी आधार पर भाजपा के लोग कहते हैं कि पंडित नेहरू ने ये चाइना को दे दिया। चाइना को नहीं दे दिया, हमने वो नक्शा बना के उसे कब्जा करने की कोशिश की थी और एक बड़ा भूभाग हमने कब्जा किया था, हमारे पास नहीं था, सिर्फ नक्शे में था। तो आप इससे समझिए, लेकिन इसी तरह ये दूसरों को हम मौका दे रहे हैं, उल्टा हो रहा है, रिवर्स गियर में गाड़ी चल रही। तो सिंगापुर जाके सिंगापुर बनाने की बात कहते हैं। बनारस के लोगों से पूछ लीजिए, वाराणसी के लोगों से, कि वहां क्यूटो बनाने का वायदा किया था और हालत क्या हुई, अभी बारिश में ही लोगों से पूछ लीजिए क्या हालत हुई। इसके अलावा वहां पर जिस तरीके से गंदगी और सब कुछ है, गंगा की जो हालत है, सब कुछ जाके देख लीजिए क्या इन्होंने बनाया। ये नरेंद्र मोदी के वायदे होते हैं ना, तो सिंगापुर का एक नया ख्वाब पाल दिया है, अब आप उसमें उलझे रही। तब राहुल गांधी जवाब देते हैं अन्याय के खिलाफ, जवाब देते हैं इस देश में सद्भाव को लेकर के। तो वो बताते हैं कि अन्याय जब आप करेंगे तो न्याय के लिए हम लड़ते दिखाई देंगे। और इसी कड़ी में राहुल गांधी ने विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को कांग्रेस पार्टी में शामिल कराने का काम किया और आज कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने इन दोनों को कांग्रेस पार्टी का पटका पहनाकर उन्हें पार्टी में शामिल किया। तब विनेश फोगाट ने कहा, जब मेरे साथ अन्याय हो रहा था, हम लड़कियों के की लूटी गई आबरू को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और उसमें इंसाफ की मांग कर रहे थे, तब भाजपा छोड़ सभी हमारे साथ खड़े थे, कांग्रेस ने हमारा साथ दिया, कांग्रेस की लीडरशिप ने हमारा साथ दिया। जब मेरे साथ अन्याय हुआ, मेरे साथ में जिस तरह से वो किया गया, तब कांग्रेस हमारे साथ खड़ी थी, इसलिए हम कांग्रेस के साथ और हमें जो निर्देश मिलेगा हम वो करेंगे, लेकिन लड़ाई जारी रहेगी, लड़कियों को इंसाफ दिलाने की है लड़ाई। बड़ी बात कह रहे थे, यही बात बजरंग पुनिया ने कही। बहरहाल दोनों की बातें थी, ये संदेश थे। हरियाणा में इसी तरीके से अन्याय हुआ है, किसानों के साथ अन्याय हुआ है, युवाओं के साथ अन्याय हुआ है। जब पूरे देश में 7.5% की दर से बेरोजगारी दर बढ़ रही थी, तो हरियाणा में करीब 35% की दर से, 34.5% की दर से बढ़ रही थी, और जब इतनी तेजी से बढ़ रही हो तो आप समझ सकते हैं कि हरियाणा में क्या हालत होगी। इसीलिए 15,000 की कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी के लिए इतने बड़े बड़े लोग अप्लाई कर रहे हैं, और इसीलिए ये सारी हालत। यह युवाओं के न्याय की लड़ाई और लड़ाई है उन किसानों की, जिन किसानों के साथ अन्याय हुआ, उनको जिस तरीके से तोड़ा गया, उनके ऊपर लाठियां चली हैं, उनके आगे कील बिछाई गई हैं और उनके पीठ पर खंजर ढोका गया है, यह लड़ाई।
लड़ाई कश्मीरी पंडितों की है जम्मू कश्मीर में, जहां उन्हें झूठे आश्वासन देके बरगलाया गया है, उनका इस्तेमाल किया गया है राजनीतिक तौर पे, असल में उनको कुछ नहीं दिया गया, उनका छीन लिया गया। और कश्मीर के दूसरे हिस्से कहीं बागवानों का हक छीन लिया गया, बागों पर कब्जे किए गए हैं, कहीं प्राकृतिक संपदाओं पर कब्जे किए गए हैं, ठेके पट्टों के जरिए गुजरातियों को पूरा कब्जा करा दिया गया है। तो यह हुआ है जम्मू कश्मीर, और कमोबेश इसी तरीके से मणिपुर में हुआ है, इसी तरीके से महाराष्ट्र में हुआ है, इसी तरीके से दूसरे और तमाम राज्यों में हुआ। यह एक जगह का रोग नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का रोग। सबसे पहले न्याय की लड़ाई के लिए कि अग्निवीर बनाकर के नरेंद्र मोदी ने इस देश के युवाओं के साथ में, देश के रक्षा का जज्बा रखने वाले, देश के लिए शहीद होने तक की वो रखने वाले, जज्बा रखने वाले युवाओं के साथ में अन्याय किसने किया है, मोदी ने, इसकी लड़ाई राहुल गांधी ने शुरू की थी। आज भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे आती जा रही, जो कहती थी पहले थोड़े से एकोमोडेट करेंगे, फिर आया 25% करेंगे, और अब 50% पे आ गए। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी ने यह बता दिया है कि अभी ये तुम्हें वापस लेना पड़ेगा, और आज उससे भाजपा घबराई हुई तो बेमने ही सही उस दिशा में बात कर रही। जब दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के साथ अत्याचार होता है, हरियाणा में 10 साल के अंदर 96% दलितों पर अत्याचार बढ़ जाते हैं, उनके ऊपर क्राइम बढ़ जाते हैं, तब राहुल गांधी खड़े होते हैं उस सामाजिक न्याय के लिए। उसका नतीजा यह होता है कि सारे जितने भी हैं वो सब कहते हैं कि हाँ अब जातिगत जनगणना होनी चाहिए। तो आप ये समझिए, राहुल गांधी तो फर्स्ट डे से कह रहे हैं कि होनी चाहिए, और उसकी बात कर रहे हैं, उस हक की बात कर रहे हैं, तो राहुल गांधी उस हक के लिए लड़ रहे हैं, और नरेंद्र मोदी सत्ता के लिए झूठ बोलने का काम करते हैं। आज कहा जा रहा है कि वहां पर 2 गैस के सिलेंडर मुफ्त मिला करेंगे जम्मू कश्मीर में हर साल। आपको याद होगा 2022 में यूपी में भी वायदा किया था, क्या आज तक कोई मिला है? क्या यूपी के किसी भी व्यक्ति से जाके पूछ लीजिए, एक भी व्यक्ति को नहीं मिला है। इसी तरीके से और बहुत सारे झूठ बोले गए। बहरहाल अब जनता इन झूठ से तंग आ चुकी है, वो अपनी लड़कियों की आबरू नहीं लूटने देना चाहिए, और जिस तरीके से भारत के साथ तमाम अन्याय हो रहे हैं, लूटने के लिए माधवी बुच जैसे लोग, अडानी अंबानी जैसे लोग बैठे हों, तो फिर लड़ने वाला कौन? तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस लड़ती, राहुल गांधी लड़ते, उनकी टीम लड़ती, क्योंकि लड़ाई तो उन्हीं को लड़नी पड़ेगी, क्योंकि श्रीमती इंदिरा गांधी जो कह के गई थी मेरे खून का कतरा कतरा इस देश की रक्षा करेगा, तो वही रक्षा कर और वही करेगा। तो अब इंतजार कीजिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के दिन ढल चुके हैं, और हरियाणा में देखने को इसके उदाहरण वानगी मिल रही है, हमें जम्मू कश्मीर में इसकी वानगी मिली कि किस तरीके से अपनी पूरी लिस्ट वापस लेनी पड़ी, और हरियाणा में ऐसी भगदड़ मची है कि 19 इनके बड़े नेता इस्तीफा दे चुके हैं, जो मंत्री, विधायक और सब कुछ, बड़े बड़े पदाधिकारी, और इसके बाद यह क्रम लगातार जारी है, और हालत यह हो गई कि हरियाणा में हलचल मची, डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी। 30 सीटें ऐसी हैं जो इस टिकट से सिर्फ भाजपा हार गई, बाकी जो होगा वो आने वाले वक्त में लड़ाई लड़ेगी। जय